क्या कोई अननोन नंबर आपको कॉल करके बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और आप परेशान हैं कि भाई हम किस तरीके से उस नंबर का डिटेल्स वगैरह पता करें ताकि उस बंदा को पकड़ पाए। वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड और ऐसा ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिसके मदद से तुम ना किसी भी नंबर का डिटेल्स निकाल सकते हो, वो भी बिल्कुल इजली तरीके से। और तो और आप भी किसी नंबर का डिटेल्स इजली तरीके से निकालना चाहते हो तो आप ना इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है, तो इस वीडियो का आप गलत इस्तेमाल ना करें। तो आपका ज्यादा कीमती टाइम को वेस्ट ना करते हुए एक छोटा सा इंटरव्यू के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी नंबर का डिटेल्स वगैरह जानने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टेलीग्राम अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि टेलीग्राम क्या है तो सबसे पहले आप YouTube पर जाएं और YouTube पे जाने के बाद आप सर्च करें कि टेलीग्राम क्या है और टेलीग्राम पे एक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक अकाउंट टेलीग्राम का क्रिएट कर लें, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो जब भी आप टेलीग्राम अकाउंट को डाउनलोड करके कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। उसके पहले ही आपको टेलीग्राम को सबसे पहले ओपन कर लेना है। टेलीग्राम को ओपन करने के बाद टेलीग्राम का कुछ इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ऊपर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो हो गया हमारा सर्च बार। सर्च बार पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जब भी आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको फाइनल तरीके से लिखना है ट्रू कॉलर, TRU ट्रू लिखते ही आपके सामने ना यहाँ पर बहुत सारा बोट आ जाएगा। आप देख सकते हैं फाइनल ऊपर में हमारा लिखा है ट्रू कॉलर, सेकंड में है ट्रू कॉलर, फिर थर्ड पे अपने को ट्रू कॉलर सपोर्ट, फिर उसके नीचे ट्रू कॉलर बोट। तो आपको यहाँ पे ना तीन तरीके की मतलब बोट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रू कॉलर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, एक बोट का आइकन बना हुआ है आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जब भी आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप पहले से अगर यहाँ पे ज्वाइन करके रखे हैं तो फिर कोई बात नहीं, नहीं तो फिर आपको पहले से उसका टेलीग्राम अकाउंट एक ज्वाइन करने के लिए बोलेगा, तो आप उसमें उसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे मेनू पे क्लिक करना है और फिर ऑनलाइन चेक इट बोट्स इट द ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। जब भी आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, नीचे आपको बोला जा रहा है कि सेंड एनी नंबर इन द इंटरनेशनल फॉर्मेट, यानी आपका नंबर इंटरनेशनल फॉर्मेट पे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, तभी हम उसका डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हैं। यानी बोले तो हमारा जैसे इंडिया का इंटरनेशनल कोड है 91, बाहर का बांग्लादेश का कुछ अलग है, इंडिया का कुछ, नेपाल का कुछ अलग है, इस तरीके से अपना अपना इंटरनेशनल मतलब कोड दे के यहाँ पर टाइप करें। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए एक नंबर को यहाँ पर टाइप करूँगा और उसका इन्फॉर्मेशन पूरा निकाल के दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर ना अपना एक नंबर को टाइप करता हूँ, ये मेरा एक फ्रेंड का नंबर है। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा नंबर नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलिंग वगैरह फिर हो सकता है, इसलिए मैं इस नंबर को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दो चार नंबर को ही पीछे का शो करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो नंबर है ना, इस नंबर को मैं यहाँ से जब भी इस बोर्ड को सेंड करता हूँ तो मेरे सामने क्या निकल के आएगा देखना। ये देख सकते हैं पूरा डिटेल्स वगैरह निकल के आ गया है। उसका नंबर ये है, कंट्री इंडिया है, उसके बाद उसका नेम क्या है, डाली मारा है, सेकंड पे उसका सिम जो है वो एयरटेल है, उसके बाद वो लोकेशंस कौन से पे रहता है, यानी बिहार यानी झारखंड पे रहता है वो, ठीक है। उसके बाद ये भी दिखा रहा है कि लास्ट सीन कब हुआ, यानी लास्ट जो है वो ऑनलाइन कब आए थे। तो देख सकते हैं पूरा डिटेल्स दो घंटा आगे वो ऑनलाइन आए थे। उसके बाद नीचे आपका जो सरनेम वगैरह है वो भी देखने को मिल जाएगा आपको, और नीचे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, उसके अकाउंट पे अगर टेलीग्राम अवेलेबल है तो टेलीग्राम भी देखने को मिल जाएगा, और टेलीग्राम नहीं है तो फिर व्हाट्सएप पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं जब भी मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ ना, ये बंदा का जो व्हाट्सएप है ना डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चला जाएगा और फिर आप वहाँ से उसको भी चैट कर सकते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है किसी भी नंबर का, तो उस नंबर को कॉपी करें और जब जो भी आपके पास एप्लीकेशन से पेमेंट एप्लीकेशन जैसे हो गया पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, उस जगह पे पेमेंट की नंबर की जगह इस नंबर को देके देखिए, उसका नाम और उसका एड्रेस वगैरह वहाँ से भी शो कर जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से दो तरीके से ना किसी भी नंबर का बोले तो उसका डेटा यानी फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हैं और उसको बड़ी ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।